वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी फर्स्ट ईयर। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र। स्टूडेंट्स, आज बी फर्स्ट ईयर की प्रथम क्लास है और प्रथम क्लास के अंतर्गत भी स्टूडेंट्स आज हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आज जो की प्रथम क्लास है उसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मैं आज आपको पेपर पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगी। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं समाजशास्त्र के बारे में, चूंकि स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए नया विषय है, नया सब्जेक्ट होने की ये नहीं है कि हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, बट आप उस विषय को यदि सही तरीके से और ध्यान से रेगुलर क्लासेस लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज जो रखने के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बस एक चीज हमेशा जरूरी होती है, रेगुलरिटी, यानी हमेशा नियमित रूप से कक्षाओं को लेना। साथ ही साथ आपके पास जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उन नोट्स को नोट करना और प्रॉब्लम को लेकर कॉलेज में उपस्थित होना। तो आइए हम बात करते हैं समाजशास्त्र की। स्टूडेंट, समाजशास्त्र जो है इंग्लिश में उसे हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इंग्लिश में? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। यदि ये कहें तो भी समाज और शास्त्र जो है दो शब्दों है, समाज प्लस शास्त्र। और यदि सोशियोलॉजी कहें स्टूडेंट तो पहले हम समाजशास्त्र को दो शब्दों से मिलकर बना समाज प्लस शास्त्र। समाज का शास्त्र, समाज शास्त्र को शास्त्र क्यों कहा जाता है? समाजशास्त्र को शास्त्र इसलिए क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कोई भी विषय जो है शास्त्र कब कहलाता है? जब उसके अंतर्गत किसी भी विषय के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र विषय भी शास्त्र क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो समाज है उस समाज से संबंधित प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यानी समाजशास्त्र क्या हो गया? आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि समाजशास्त्र जो है क्या है। समाजशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर वर्तमान तक, यानी इतिहास को भी अपने में समेटे हुए, या फिर किसी से भी संबंधित, राजनीति से संबंधित या किसी भी प्रकार की समाज से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन सभी को अपने में समेटे हुए हैं। यानी समाज की प्रत्येक घटनाओं का जो वर्णन है वो भी किस रूप में, वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करने का प्रयास जो है स्टूडेंट्स कौन करता है? समाज शास्त्र करता है। इसीलिए यह विषय शास्त्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। समझ गए क्यों आता है, शास्त्र क्यों कहलाता है? क्योंकि समाज से संबंधित चाहे प्रत्येक पहलू, वैसे सारे विषय जो होते हैं अपने अपने अलग जो अपना विशिष्ट क्षेत्र है उसको लेकर चलते हैं, लेकिन समाजशास्त्र जो है स्टूडेंट्स वो समाज से संबंधित प्रत्येक पहलू को अपने में समेट कर चलता है। यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इस विषय को समाजशास्त्र कहा जाता है। यदि हम इसका इंग्लिश अर्थ देखें स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? सोशियोलॉजी, सोशियो प्लस लॉजी, दो शब्द हो गए स्टूडेंट्स। यह हो गए सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो का अर्थ स्टूडेंट्स क्या हो गया? सोसाइटी, जैसा कि
क्या होती है? साइंस। तो फिर आपके मन में विचार आएगा व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल वे में हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्या करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि समाज की जो घटनाएं हैं वो इससे
विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से हमारा समाजशास्त्र विषय कौन से विज्ञानों के अंतर्गत आ गया, सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आ गया। यानी कि सिंपल वे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय, ऐसा विषय जो समाजशास्त्र का समाज का यानी हमारी सोसाइटी का, सोसाइटी के प्रत्येक पहलू का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे ही क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी स्पेशली सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय जो है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र कहलाता है। ये तो हुई हमारी समाजशास्त्र की संक्षिप्त जानकारी। किंतु स्टूडेंट्स चूंकि हमारी आज पहली क्लास है तो इसके अंतर्गत हमें अपने पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी समाजशास्त्र की जो दो पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, 100 मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट्स। पेपर फर्स्ट भी कितने मार्क्स का होगा आपका, 100 मार्क्स का, और पेपर सेकेंड भी जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, मीन्स क्या हुआ समाजशास्त्र का परिचय, क्या हुआ स्टूडेंट्स समाजशास्त्र का परिचय, ये तो जानना चूंकि हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारे लिए विषय नया है, तो इसके बारे में परिचय करना या जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। तो आपका पेपर फर्स्ट कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हम समाजशास्त्र का परिचय तो जानेंगे, समाजशास्त्र का परिचय जानने के साथ साथ इसकी विषय वस्तु एवं क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। विषय वस्तु एवं क्षेत्र के साथ साथ इसकी प्रकृति क्या होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया ये विज्ञान है लेकिन कौन सा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, तो इसको सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, इसकी क्या कारण है या ऐसे कौन से लॉजिक है जिसकी वजह से इसको प्राकृतिक विज्ञानों में ना रखकर सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें हम इसकी प्रकृति के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इसकी जो सामाजिक मानविकी एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो है इसका उसको भी जानने का प्रयास इसके अंतर्गत करेंगे स्टूडेंट्स। क्षेत्र प्रकृति विषय वस्तु इसका परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव के साथ साथ समाजशास्त्र जो है वर्तमान में जो विकसित विषय के रूप में है और इस विषय का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उन सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, उन संबंधों को जानने का प्रयास भी हम इस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ही करेंगे स्टूडेंट्स। और इसके अलावा यानी समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, अब मैंने आपको बताया सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो हमने यहां तक तो समाजशास्त्र का परिचय ही प्राप्त किया है। अब इस समाजशास्त्र के अंतर्गत जिस समाज का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स उसको भी जानना आवश्यक होता है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स
के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे सामाजिक संरचना, यानी हमारी समाज की जो संरचना है वो कैसी है, हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं स्टूडेंट्स वो व्यवस्था कैसी है, उसको भी जानने का प्रयास जो है हम करेंगे। या फिर इस सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का क्या स्टेटस है, उसका क्या रोल है, यानी स्टेटस यानी प्रत्येक व्यक्ति की क्या परिस्थिति है, और परिस्थिति के साथ साथ स्टूडेंट वो उस परिस्थिति पर अपनी किस प्रकार की भूमिका का जो है वो निर्वहन करता है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। मुख्य बात जो आती है स्टूडेंट्स हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत वो आती है कल्चर, संस्कृति। क्यों? अरे भाई, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा जो पहनावा, हमारी वेशभूषा है, वो सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। और संस्कृति के बिना समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, और यदि समाज का निर्माण हुआ है तो समाजशास्त्र के बिना उस समाज का अध्ययन जो है वो स्टूडेंट्स कैसे किया जा सकता है। तो इन सबको जानने का प्रयास जो है हम करेंगे। इसके अलावा हम लेंगे स्टूडेंट्स सामाजिक स्तरीकरण को, सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के साथ साथ वर्तमान में हम स्टूडेंट्स जो देखते हैं मुख्य रूप से जो समाज में हमें दिखाई देता है सामाजिक परिवर्तन, और ये परिवर्तन जिसकी वजह से होता है वो है गतिशीलता। तो इस मोबिलिटी में यानी गतिशीलता ने क्या किया है, सामाजिक परिवर्तन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि ये व्यक्ति यदि समाज का सदस्य है, संस्कृति को ग्रहण कर रहा है, तो उसको सामाजिक व्यवहार को सीखना भी आवश्यक है। और हम यदि सामाजिक व्यवहार सीखेंगे तो इसके अंतर्गत समाजीकरण के अंतर्गत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन कुछ टॉपिक्स के द्वारा हम समाजशास्त्र का जो मूलना प्रथम प्रश्न पत्र है इसको जानने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने जो सेकंड पेपर है स्टूडेंट उसकी और आते हैं। सेकंड पेपर में स्टूडेंट 100 मार्क्स का ही होता है, बट इस 100 मार्क्स के अंतर्गत हम क्या जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो क्षेत्रीय और कुछ जो समाजशास्त्री रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको नाम बताती हूँ एस सी दुबे, या फिर एम एन श्रीनिवास। कौन? एम एन श्रीनिवास जो है, इन्होंने बताया क्या किया, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज का अध्ययन करने का प्रयास किया, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, किसके माध्यम से, बुक्स के माध्यम से हो या फिर फील्ड के माध्यम से, या तो वो क्षेत्र में गए या फिर उन्हें जो भी मटेरियल जो है लिखित रूप में उपलब्ध हुआ उनके द्वारा उन्होंने इस विषय की जानकारी को जुटाने का प्रयास किया। तो ये एस सी दुबे और एम एन श्रीनिवास जो है इनके दृष्टिकोण के द्वारा हम हमारे समाज का जो परिदृश्य है उस परिदृश्य को पाठ्य यानी लिखित रूप में और क्षेत्रीय रूप में जानने का जो प्रयास है वो करेंगे। यानी द्वितीय पेपर के अंतर्गत हमें क्या करना है, गुरिये और एम एन श्रीनिवास साथ ही साथ दुबे इत्यादि के द्वारा जो भी अध्ययन किए गए हैं स्टूडेंट्स उनको जानने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा समाज के सदस्य हैं, समाज
समाज को नहीं जानते, सामाजिक संबंधों को नहीं जानते। कहते हैं समाज में रहते हैं, समाज के साथ साथ परिवार में भी रहते हैं। इस परिवार की क्या मुख्य भूमिका है वर्तमान में, उसको जानने का प्रयास भी हम सेकंड जो आपका पेपर है उसमें करेंगे। हमारे यहाँ विवाह के कौन से स्वरूप हैं, हमारे जो नागरिकारियां हैं, कास्ट यानी जाति है, वर्तमान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में किस कारण से और कौन से परिवर्तन होंगे, या फिर उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस जो चुनौतियां जो है आने वाली है हमारे समाज में, हमारे सामने, उन सभी का अध्ययन जो है स्टूडेंट्स हम सेकंड पेपर के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे देश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण समस्याएं, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में समाजशास्त्र जो है समाज के प्रत्येक पहलू को अपने में समेट कर चलता है, चाहे वो समाज का कोई भी पहलू, जातिवाद ले लीजिए, चाहे आप सांप्रदायिकता ले लीजिए, इन सभी का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है, चाहे आप भाषावाद ले लीजिए, सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से स्टूडेंट्स हम वर्तमान में हमारे देश में इन मुख्य समस्याओं को देखते हैं, तो उन समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करना भी प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है। तो समाजशास्त्र जो है लगातार जो परिवर्तनशील स्थितियां उत्पन्न होती है उससे संबंधित इन सभी का अध्ययन करने का प्रयास जो है वो करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और वर्तमान में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक यंगेस्ट एज जो आती है उसके जो बच्चे हैं वो धूम्रपान या मद्यपान के आदि हो गए हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में शिक्षा का इतना प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी एक समस्या जो है स्त्रियों से संबंधित बनी हुई है, घरेलू हिंसा, उसको भी जानने का प्रयास स्टूडेंट्स हम करेंगे। इसके अलावा जो है समाज में जो विभिन्न प्रकार की बच्चों के लिए ले लीजिए या फिर कृषकों के लिए ले लीजिए, उन सभी समस्याओं को जानने का प्रयास हम पेपर सेकंड के अंतर्गत करेंगे। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स अपने सिलेबस की बात, सिलेबस के बाद में आपको पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। स्टूडेंट्स पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आपके जो में आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, कैसे आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, वो कितने आते हैं स्टूडेंट्स 20 आते हैं और ये 20 आते हैं एक एक मार्क्स वन मार्क्स के लघु अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर देने होते हैं। तो ये कितने हो गए 20 मार्क्स हो गए अपने। अब आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर स्टूडेंट्स, मार्क्स कितने हुए इसके 20, कितने आएंगे 10 आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे स्टूडेंट्स 2-2 मार्क्स, यानी 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने हो गए अपने 20, कितने हो गए स्टूडेंट्स 20, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे वन मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिसमें एक या दो लाइन तीन लाइन के आंसर आपको लिखने हैं वो आएंगे आपके 2-2 नंबर के, कितने क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 20 नंबर, 20 and 20, 40। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके तीन सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है स्टूडेंट्स,
एंड सेक्शन सी आता है। इसके अंतर्गत आपको दो क्वेश्चन जो होते हैं निबंधात्मक, कैसे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं। ये निबंधात्मक क्वेश्चन जो होते हैं 20 नंबर का एक होता है। आपको कैसे दो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और वो दोनों क्वेश्चन अथवा में दिए हुए रहते हैं, उन अथवा में दिए हुए क्वेश्चन में से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। सेक्शन बी में दी गई है दो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे अथवा में दिए हुए रहते हैं, फर्स्ट अथवा सेकंड, है ना। तो इस अथवा में से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करना है, वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा स्टूडेंट। सेक्शन सी आता है, मतलब डी सेक्शन ए और सेक्शन बी की तरह सेक्शन सी में भी आपके पास दो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, वो भी अथवा में होंगे स्टूडेंट्स, वो भी दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन 20 20 20 कितने हो गए 60। और स्टूडेंट्स हमने दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के ऑलरेडी देख लिए और एक एक नंबर के जो 20 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी देख लिए। तो इस तरह से हमारा जो पेपर होगा स्टूडेंट्स वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी शिशु दिवसी की सामान्य जानकारी और हमारे पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में मैंने थोड़ी सी आपसे चर्चा की थी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समाजशास्त्र का वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।